ये जर्सी HF में अगर इससे 1 किलो ही बढ़ के रहा तो हमारा पहाड़ा हम फ्री छोड़ देंगे। उसका भी चैलेंज है तेलंगाना में उतना बड़ा का मेंढा का कोई बता दिए तो मेंढा मेंढा फ्री दे। तो माशाल्लाह भाई, देखो पहले बात इसका मुंह देखो आप, माशाल्लाह गाय के बच्चे के उतना मुंह दिख रहा माशाल्लाह। इसकी हाइट देखो, इसका वेट देखो और इसका फेस देखो आप, माशाल्लाह दिख। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान वाशवान, आप देख रहे हैं इजी ब्लॉग। आज अपन आ गए भाई ईसा डेयरी फार्म। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, और ये वीडियो बहुत स्पेशल है भाई। और इतने दिनों के बाद अपन डाल रहे हैं तो एक धमाका वीडियो डालने का था इरादा मेरा और मोहम्मद भी का। इतने सारे दिनों से वीडियो नहीं डालने का रीज़न ये है कि हम लोग के डिग्री के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे। तो ये धमाका वीडियो ये है कि ईसा वेगन एक पाड़ा है, वो है भाई एंटिक जर्सी प्लस HF ब्रिड का है, आगे आपको वीडियो में देखने मिलेंगे वो। तो उसमें ओपन चैलेंज ऑल ओवर हैदराबाद तेलंगाना को वीडियो में दिखाएंगे अपन क्या है क्या नहीं। उसके बाद और एंटिक पीसा से अपने कहने गिड्डी जात का पाड़ा है और दुम्बा है तुर्की का, जैसा कि यहाँ देखने नहीं मिलता भाई नॉर्मल, वो तो वो भी दिखेंगे आपको। साथ में राजस्थान ब्रिड के भी है और कर्नाटक के बहुत, इतने एक पाड़े का नहीं है खाली, बहुत एक से एक ब्रिड बताएंगे आपको। उसमें क्या है रेयर पीसा है समझो वही हिसाब है कहने, तो वो पूरा आपको दिखाएंगे हम लोग। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपन। तो अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये साल भी है बोल के सुना हमें, चैलेंज क्या है भाई? पहले पाड़े के बारे में बात करेंगे अपन, कौन सी ब्रिड का पाड़ा है? ये जर्सी में HF है भाई, दोनों ब्रिड का मिक्स है बोलो। तो कितने दांत पे पाड़ा, इसकी उम्र क्या है? दो दांत पे है भाई पाड़ा है। दो दांत पे माशाल्लाह मोहम्मद भाई, पहले इधर आओ। दो दांत पे भाई ये तैयारी है माशाल्लाह। कितनी उम्र है इसकी ईसा भाई? अभी नहीं, 2 साल का है भाई। माशाल्लाह 2 साल में ये तैयारी भाई, इसकी चकलान देखो माशाल्लाह। तो ईसा भाई चैलेंज क्या रहेगा इसमें? ये जर्सी HF में अगर इससे 1 किलो ही बढ़ के रहा तो हमारा पाड़ा हम फ्री छोड़ देंगे। अगर जर्सी में HF में वही ब्रिड में होना, अलग ब्रिड में नहीं, ये दो ब्रिड में अगर इनसे 1 किलो भी बढ़ के अगर ले लेके आ गया पाड़ा तो पाड़ा फ्री, अगर कम रहा तो आगे वाले का छोड़ के चले आने का, पाड़ा बन के चल जाना। वही पुराना ऑफर अपना, पाड़ा खामोशी से बन के चल जाने का है। और डरने करने की जरूरत नहीं है, बिंदास आ सकते हैं। हम मीडिया वालों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, बुला के दोनों को ले आए कांटा करेंगे। कांटा करा के अगर हमारा कम रहा तो हम दे देंगे, आपका कम रहा तो आप छोड़ के चले आना। छोटे मोटे पाड़ों के 10 क्विंटल 9 क्विंटल 8 क्विंटल वही बोलने वाला था ईसा भाई, पाड़े रह रहे दिख रहे नहीं उतने लोग वेट बोल दे रहे। अब बोल रहे हैं बोलने वाले, अब कमेंट में भी बोल रहे हैं अरे उतना है नहीं इतना बोल रहे हैं। सामने से आगे चीज़ देखो उसके बाद ले आए कांटा कराता हूँ, कांटा कराए बाद आप बोलते हो भाई हकीकत में चीज़ है नहीं है। तो इसका आपका वेट क्या होगा भाई, इसका वेट अंदाजा? अब मैं तो 10 क्विंटल के ऊपर बोला, 10 क्विंटल के ऊपर ही रहता है, कम नहीं रहता माशाल्लाह भाई। 10 क्विंटल को इसका फेस देखो भाई माशाल्लाह, एकदम बोल्ड फेस है आखिरी देखो, सिंग विंग फाइटर पाड़ा है ये, जो स्पेन में जो यूरोपियन कंट्री के रहते देखो वैसे उसकी ब्रीड में मिक्स है समझो, जर्सी फाइटर पाड़ा है ज़बरदस्त पूरी, इसकी लंबान चकलान देखो बहुत ज़बरदस्त है। और चैलेंज कहाँ रहेगा ऑल ओवर हैदराबाद तेलंगाना? तेलंगाना में चैलेंज रहेगा इससे 1 किलो बढ़ के ला लिए तो ये पाड़ा फ्री, ये नस्ल में देखो जर्सी और HF में हैदराबाद और तेलंगाना के। आप कई सारे पाकिस्तानियाँ फ़ोन क्या है कमेंट कर रहे हैं, नंबर दिए बोल रहे हैं पाकिस्तान में है हम मानते हैं बात, मगर हम तेलंगाना में हैदराबाद में बोल रहे हैं ऐसा पाड़ा अगर है तो ला लो। अब ईसा भाई कहने आने डर रहे हैं कर रहे हैं बोल रहे हैं, नहीं नहीं भाई भाई पहले क्लियर कर दो, डरने करने का कुछ भी नहीं है, आ सकते आप। अगर आपका पाड़ा अगर बढ़ के रहा है तो बेफिक्र देते भाई, हम वीडियो आके बनेंगे और बाकी मीडिया वाले भी बनेंगे, नहीं क्या ईसा भाई? सबको बुलाएंगे, ये अपने ये चैनल वालों ने हर चैनल रूबी जो हैदराबाद में है सबको बुला के करेंगे बस। मैं 1 साल होता है इसको लेके, 1 साल बड़ा पाड़ा तो मेरा बेजाला, उसका भी चैलेंज था 3 साल तक कोई पाड़ा उसके मुकाबले में पाड़ा नहीं था। हालाल में बिका वो 1-2 हफ्ते महीना हुआ, कुर्बानी कर सकते हैं सब पाड़े की जर्सी HF नहीं, आप बड़ाओं से पूछ लो जर्सी की भी कुर्बानी हो सकती भाई। आप जानवरों का शौक कब से करते हैं, कितने साल की उम्र से करते हैं? मैं वो बचपन से शौक है, 25-30 साल से है। 30 साल माशाल्लाह, 25-30 साल से ईसा भाई हैदराबाद में हमेशा एंटिक पीस ले लेके आता हूँ। अरे भाई वही बोलने का था ईसा, अभी और वीडियो में आगे आने वाले एंटिक पीस आ क्या क्या है। शौक हंदा होता, हाँ वही पैसा, हाँ पैसा सब कुछ नहीं है, शौक हंदा होता। तो इसका बेचने का 8 इंच प्राइस क्या है आपका? नहीं नहीं जो आएंगे, हाँ जो खरीदार रहेंगे तो हाँ। उसको बोलेंगे हम, अब चुप फोन आ करके इतने में देते क्या भाई, उतने में देते क्या भाई बोल के चुप फोन आके तंग करते जी। जो खरीदार है उसको देखिए आगे आगे रियल में देखो पाड़े को,
इन्हें फोन में भी दिक्कत नहीं आ रहा, रियल में आके देखे तो बोलते सामने से तो हाँ भाई चीज है बोलते। बच्चे क्या है धन बोल के अंदर आ जा रहे बगैर बोले, अब बोला बाहर जाओ बोले तो गुस्से में आ जाते। अरे ईसा भाई क्या है बोले तो अरे पहलवान है डरा रहे बोलते। नहीं नहीं आदमी पूछ के आया तो हम खुद बता दे, 3 बजे रात को आए तो बताए फाड़ा हम आके पूछे भाई देखने आए वहां से बोले तो बता। अब बिंदास अंदर आ जा रहे हैं, बोल रहे नहीं घुस जा रहे हैं सीधा अंदर चले आ रहे। अरे क्या हुआ बोल के बोले तो चलो बाहर निकलो बोले तो बोला हालत गलत मतलब ले रहे फिर चैलेंज का फिर बोल दो हिसाब है दोहरा दो क्या है। HF और जर्सी में इससे 1 किलो ही बढ़ के अगर रहा तो पाड़ा मैं मेरा फ्री छोड़ देता हूँ बोला, अगर इससे 1 किलो कम रहा तो छोड़ के जाने का है। दरा चलो हिसाब है पाड़े को आओ मोहम्मद भाई दिखाओ आओ देख सकते माशाल्लाह जो हैवीनेस है ना भाई ऐसी दिख रही स्किन फटके गोश निकल जाता माशाल्लाह चलने परेशानी हो रही। अब चाह तो 16 क्विंटल 20 क्विंटल बोल सकता था मगर हम तोले भी नहीं उसको ना बोल रहे 10 के ऊपर अंदाजा बोल रहे। मैं आगे के भी दिखाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं, छोटी नस्ल का पाड़ा है और एक दुम्बा है वो आगे अपन देखेंगे, फिलहाल पाड़े को दिखा दो। तो गाइस आप लोग पाड़े का तो देख ले ईसा भाई बताने वाले गिट्टी जात का पाड़ा, तो ईसा भाई इसके बारे में जानकारी दे। देखो भाई हमारा भी मकसद ये है कि ईसा भाई एकदम जो है ना एंटिक पीसा और खाली जो वन पीसा जो रहते ना वो लाने की कोशिश करते, तो ईसा भाई इसके बारे में बोलो जरा गिट्टी जात का। ये बेंगलोर में हमारे दोस्त का ना था ये, अच्छा ये नस्ल बहुत कमाती। ईसा भाई हैदराबाद में कितने होंगे ऐसे गिट्टी जात के पाड़े, तो फर्स्ट टाइम देखा। नहीं नहीं बहुत कम है ये तो, हैदराबाद में तो नहीं है, हैदराबाद में तो नहीं है, उधर ही है। हमारे दोस्त का ना था तो मैं ला लिया हूँ स्कॉर्पियो में डाल के ला लिया हूँ। अच्छा छोटी स्कॉर्पियो में डाल के ला लिया बोलो ईसा भाई, नहीं संभलने नहीं दे रहा भाई बहुत बहुत आई ले कितने दांत पे ईसा भाई ने इन्हें दांत मिला दिया पूरे। अच्छा पूरे मिला मिल गए समझो। तुर्की दुम्बे है मगर पब्लिक को तुर्की दुम्बा क्या है नहीं मालूम अब तक। अच्छा तुर्की दुम्बा अब थोड़े कम लोगों को मालूम है समझो। हाँ। तुर्की दुम्बा बोलते उसे पीछे ढेपा रहता। अच्छा वो पूरी चर्बी रहती हाँ हैदराबाद में पूरा थोड़े पीसा है मैं, उसका रेट बहुत है लाखों रुपए में है समझो, उसका लाखों रुपए उसका बच्चे 30,000-50,000 को बिकता दूध का बच्चा। हाँ वो बहुत कम है हैदराबाद में। तो ईसा भाई बोल रहे थे ना तुर्की दुम्बा इसको बोलते ना ईसा भाई तुर्की दुम्बा, तुर्की दुम्बा इसको बोलते तो देखो माशाल्लाह भाई देखो पहले बात इसका मुंह देखो आप माशाल्लाह गई के बच्चे के उतना मुंह दिख रहा, और देखो भाई खासियत क्या है बोले तो आपको वीडियो में चीजें अलग दिखते रियलिटी में सामने से चीजें बहुत डिफरेंट दिखते ना ईसा भाई जी, वीडियो में एकदम अलग दिखते। देखो पीछे का हिस्सा जो है ना जो तुर्की दुम्बा ये इस वजह से ये तुर्की दुम्बा रहता ना ये ढेपा जो है ना इसको तुर्की दुम्बा बोलते, यहाँ पे पूरी चर्बी रहती है चर्बी रहती। जब खरीदे थे तो क्या प्राइस में मिला था ये? नहीं ये तो रेट नहीं बोलने का है, इसका रेट महंगा है बहुत। नहीं एक अंदाजा भाई देखो जो शौकीन है उन्हें देख के समझ जाता ये रेट तक है बोले, ये लाख के ऊपर का बकरा है, ये लाख के ऊपर का बकरा है। और इसका वेट कितना है? 1 क्विंटल 10 किलो है। अब्बा 1 क्विंटल 10 किलो भाई। भाई कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इसमें जो शौकीन डिस्क्रिप्शन में ईसा भाई का नंबर मिल जाता है, यानी तो हम पूरा प्रॉपर एड्रेस ईसा भाई की डोटी का डाल देते आके देख सकते भाई, खरीदने के भी जानवर है और भी होते ईसा भाई आप लोगों को बता देंगे। माशाल्लाह इसकी हाइट देखो इसका वेट देखो और इसका फेस देखो आप माशाल्लाह दिख रहा भाई। तो ईसा भाई ये कोसी नस्ल का है कोसी जात का है ये राजस्थान। तो ईसा भाई इसका वेट कितना होगा अंदाजा? 20 किलो है सर। माशाल्लाह नहीं ये पाले सो है कुर्बानी का है। अच्छा तो कुछ बेचने करने का है ये? बिका तो बेचेंगे ना तो घर में काटेंगे इसको। अच्छा ऐसा है देखो भाई माशाल्लाह संभल रहे नहीं देखो आप सामने से देखो आप माशाल्लाह काफी ज्यादा वेट है, इसकी हाइट वेट भी चेक कर लो आप। इन्हें 2 दांत पे है। अच्छा माशाल्लाह भी 2 दांत पे जी, अगर इसको फिर और 2 साल रखे तो ये पूरा भर जाता है। और एक मेंढा है उसका भी चैलेंज है तेलंगाना में उतना बड़ा मेंढा का कोई बता दिए तो मेंढा फ्री दे। अयो क्या बात है वो नस्ल में। अच्छा वो नस्ल में आगे बताएंगे वो नस्ल बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा चलो वो देखेंगे अपन।
तो गाइस ये है मेंढा, चैलेंज वाला है ना ईसा भाई, ये मेंढा वाला मेंढा है। अगर ये चैलेंज में अगर किसके ने भी निकल गया तो ईसा भाई ये मेंढा फ्री देता हूँ, ये साइज में, ये नस्ल में, ये हाइट में। ये नस्ल में क्या नस्ल है भाई इसकी? ये कर्नाटक, ये कर्नाटक है माशाल्लाह भाई। तो सामने कोई ठहरा ना, डर के भाग जाना। तो इसका फेस देखो, इसके सिंगा देखो। ये तो ईसा भाई कितना लंबा होने है, कितना लंबा होगा इन्हें अंदाजा? नहीं अपन तो नेमा पे लोग 45 जो है बोलते हैं, मगर 40 के ऊपर होगा। वेट वेट का नहीं है इसमें, लंबान का है ना ईसा भाई? नहीं नहीं, हाइट उसकी जो है वो हाइट के हिसाब से। हाइट अगर कम निकला तो ईसा भाई बन के चलिए। ये बकरा फिर साल में डालूंगा फिर वीडियो में। ये बकरा मेघने था, हमारे दोस्त ले लिए थे। अच्छा, फिर उनके से वापिस ला लिया, बकरा खराब कर दिया उन्होंने। अरे रे रे, मेरे कहने था तो एक कुंडल के ऊपर था, फिर उसको 1.5 कुंटल कर देंगे अपन फिर से। माशाल्लाह ईसा भाई, ठहरे हुए बाजू हमला ठहरे हुए है, आप हाइट का हिसाब लगा ले सकते कितना इन्हें लंबा है। अगर किसके ने भी है कर्नाटक का तो ईसा भाई ला लो, अगर नहीं निकला बन के चल जाओ, छोड़ के चले जाना। तो ईसा भाई ये वाला क्या है मेंढा, इसका हिसाब क्या है? लेती है बकरे दो निकालने के है। अच्छा, दो है ये दो बेचने के? हाँ, ये दो दो दांत पे है। देख लो भाई, दो दांत पे है बकरे अभी, देख लिया ना अपना वीडियो में पूरे दो दांत पे है। एक है ये और एक है कि ये वाला है, ये भी दो दांत पे, ये भी दो दांत पे, देख लो भाई पूरा वीडियो में दो दांत पे, दो भी मेंढे दो दांत पे है। ये 80 किलो है और 90 किलो है माशाल्लाह, 80 किलो है और एक 90 किलो है। 90 किलो पे तो भाई, ये तो ईसा भाई ये बेचने के है ना? बेचने के। देखो भाई ये बेचने के दो विलायती मेंढे है, एक 80 किलो का है एक 90 किलो का है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आगे ईसा भाई की डुड्डी का लोकेशन हम एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो गाइस अपन बताए थे जो भी वन पीस वाले मेंढे थे और बैल थे, बुल्स थे, वो सब अपन बता दिए, लेकिन यहाँ पे ईसा भाई जो बेचने के लिए वो भी बकरीद के लिए लाए हुए हैं। तो ईसा भाई इसका क्या है हिसाब? ये माशाल्लाह के बच्चे है, 20, ये 20,000 से दे देने के है पूरे पूरे 20,000 से, एक बच्चा 20,000 से, एक बच्चा। तो ईसा भाई कुछ कम हो जाएगा आए करे तो? हाँ आए तो कुछ भी कर लेंगे 19-20। अच्छा, ये जंगल चरे सो नहीं है, खल्ली चुन्नी खाए जो घर बच्चे है। अच्छा, गोश्त भी अच्छा है? हाँ, गोश्त आके आप कमर पे हाथ डाल के देख सकते हैं बकरे को। अच्छा ईसा भाई खींच के बताने वाले है बच्चा, ये बच्चा है। एक एक देखो आप इसका गोश्त वोश माशाल्लाह है, गोश्त वोश भी इसमें 3-4 बच्चे जरा दबते हुए है। अच्छा। बाकी बच्चे पूरे 40 के अभाव है। अच्छा, 2-3 बच्चे 40 के, कोई 2 कम 50 45। हाँ। कांटा करा सो मैं 40 किलो का बकरा अगर रहा तो उसमें 25 किलो कुछ बराबर निकल, 25 किलो बराबर ना डोटी का खाया है जो जंगल का नहीं है। तो क्या है कहने थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा आके आप क्या क्या है कहने बकरीद के लिए बकरे ले सकते। तो गाइस आज की वीडियो को अपन यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे भाई। आप लोगों को टोटल हमारा दो चैलेंज होता है पूरे ऑल ओवर हैदराबाद को, एक पाड़े का चैलेंज बताए, सेकंड जो कर्नाटक की जो हाइट थी ना वो हाइट में ला लो, अगर आप लोग उससे बढ़ के निकल गया तो लेके चल जाओ, अगर कम निकला तो भाई बन के चल जाओ ईसा भाई कहने। डरने डराना कुछ है इसने भाई, सीन है तो ला लो, नहीं है तो खत्म, मसला नहीं। तो टोटल दो चैलेंज बताया, और दूसरे भी जो एक एक जो है हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा रेयर है भाई, बाहर होंगे आप लोग कमेंट्स ना करेंगे। देखो भाई भाई मैं भी मानता हूँ बाहर है, लेकिन हैदराबाद में बहुत कम पिसा है जो कि वो है ईसा आफी साहब के पास है वो पिसा। तो आप लोग अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करें, एक एक मेंढा और जो पाड़ा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिए, दो दांत पे है तो कितना रहता और पूरे दाँता मिल गए तो क्या है क्या नहीं पूरा प्रॉपर बताया आप लोगों को। तो गाइस इसका प्रॉपर लोकेशन बालापुर रोड सोहेल होटल के बिल्कुल बाजू में ही ईसा अफई की डुड्डी है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। बकरीद के वास्ते भी आप मेंढा बाय कर सकते, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी हो जाता, देख के करके ले सकते। तो गाइस आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई लोग अल्लाह हाफिज़।